हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल का भरता। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुकर में लेंगे 250 ग्राम चने की दाल, जिसको मैंने आधे घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। अब हम इसमें मिक्स करेंगे 15-16 कलियां लहसुन की, 7-8 साबुत लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून जीरा और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हमने दाल को ऑलरेडी 1.5 कप पानी में भिगो कर रखा हुआ था, जो कि हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें 1/2 कप पानी और ऐड करेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और कुकर को कवर कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर 5 व्हिसल आने तक का वेट करेंगे। अब हम अपना मसाला रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के प्याज, 2 टेबलस्पून पुदीना, 3-4 हरे मिर्च, 3 इंच का अदरक का टुकड़ा। अब हम इन सबको चॉपर में डाल देंगे और अच्छे से चॉप कर लेंगे। ये देखिए, हमारा मसाला चॉप हो चुका है। इधर हमारी दाल में 5 व्हिसल्स भी आ चुकी हैं। हम इसको पहले थोड़ा चेक कर लेंगे। ये देखिए, हमारी दाल ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम ग्राइंडर जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है पैन में और इसमें मैंने 1.5 टीस्पून जीरा ऐड किया है। इसके फौरन ही बाद हम अपनी ग्राइंड की हुई दाल इसमें ऐड करेंगे और फिर इसमें हम अपना मसाला ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। देखिए, 2 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हमारी दाल डिश आउट होने के लिए एकदम रेडी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाज़रीन का किचन। सी यू विद अनदर अमेजिंग रेसिपी। बाय बाय। Thank you.